हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास फॉर क्लास 8 साइंस। इन आवर साइंस सेक्शन प्रीवियसली वी हैव डन अ चैप्टर इन केमिस्ट्री। व्हाट वाज दैट चैप्टर? सॉरी, वी हैव डन अ चैप्टर इन बायोलॉजी एंड द चैप्टर वाज फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो होपफुली आपको उस चैप्टर का नोट्स भी मिल चुका है, आपने वो नोट्स याद किया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे। तो आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आइए अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं एंड आवर न्यू चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। दिस इज वन ऑफ योर और यू कैन से फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर दिस टाइम। सिंथेटिक फाइबर्स, जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि सिंथेटिक फाइबर्स हम किन को कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मैन मेड। कहीं भी अगर ये टर्म आता है सिंथेटिक, सिंथेटिक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, इस सिंथेटिक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है मैन मेड। हम इंसान जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में बनाते हैं उसे हम सिंथेटिक कहते हैं, और फाइबर का मतलब होता है धागा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइबर क्या होते हैं। फाइबर बहुत ही पतले थ्रेड लाइक स्ट्रैंड या स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कपड़ा बनता है। अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। अगर हम फाइबर की कैटेगरी देखें कि फाइबर की कैटेगरी क्या होती है, तो फाइबर नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स हम किनको कहेंगे? तो वो फाइबर जो हमें नेचर में डायरेक्टली मिलते हैं, यानी कि जो फाइबर हमें नेचर में मिले, नेचर जिनको बना के दे, वो नेचुरल फाइबर। क्या कोई ऐसा फाइबर है जो नेचर हमें बना के देता है? यस, दीज फाइबर्स आर कॉटन, जैसे कपास और जूट। इसके अलावा सिल्क और वुल जो हमें जानवरों से मिलता है डायरेक्टली, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल धागे होते हैं इनके। इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जो मैन मेड है, लोगों ने, इंसानों ने फैक्ट्रियों में बनाया है। इसके अंदर भी बहुत सारा एग्जांपल आएगा, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नाइलोन हो गया, अक्राइलिक हो गया, ये सब वो एग्जांपल्स हैं जो कि सिंथेटिक्स हैं। तो इस तरह से फाइबर्स का दो कैटेगरी है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। आइए अब हम जानते हैं कि ये धागे किस चीज के बने होते हैं। कोई भी फाइबर हो वो पॉलीमर कहलाता है। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर उसको एक बड़ा फॉर्म, बड़ा लार्ज, एक बड़ा चेन बना देते हैं उसका, जिसे हम पॉलीमर का नाम देते हैं। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते चले जाते हैं तो उनसे बनता है पॉलीमर। और ये जो छोटा मॉलिक्यूल होता है जिससे मिलकर ये बड़ा मॉलिक्यूल बना, बड़ा चेन बना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मोनोमर। आप सब लोगों ने देखा होगा चेन, चेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे कड़ी लगे होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कड़ी होते हैं उन कड़ी को तो हम मोनोमर कहते हैं, और ये कड़ी जुड़ जुड़ के क्या करता है? एक बड़ा चेन बना देता है, उस बड़े चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। तो इस तरह से मोनोमर्स और पॉलीमर्स दो कैटेगरीज होते हैं, और धागे जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जो छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनते हैं। ये आपको पिक्चर में यहां दिखाया जा रहा है। ये जो छोटे छोटे भाग हैं ये कहलाएंगे मोनोमर, और इन सब से मिलकर जो लंबा भाग बना, चेन बना, उस चेन को हम कहेंगे पॉलीमर्स। तो आइए हमें इस सेक्शन में नेचुरल पॉलीमर के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक यानी कि मैन मेड फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जिनको हम लोगों ने अपने फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनाया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये सिंथेटिक फाइबर्स, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फाइबर जो हमारे पास है, जिसे हम लोगों ने बनाया है, उसमें जो कैटेगरी आ रहा है आपके पास में, वो है रेयॉन। आप देख पा रहे हैं रेयॉन, REYON। रेयॉन जो है वो सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहलाता है, यानी कि आधा ह्यूमन बींग ने इसको बनाया है और आधा नेचर ने। देखो, नेचर में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज प्लांट्स और ट्रीज के बार्क्स में पाए जाते हैं,
जो पेड़ पौधे की छाल हैं उनमें पाया जाता है सेल्युलोज। इसी सेल्युलोज से पेपर भी बनता है बच्चों, इसी सेल्युलोज से हम धागे भी बनाते हैं। तो एक तो ये नेचर ने पहले इसको बनाया है, उस नेचर से हम बाद में उसको पिघलाते हैं, उसमें सेल्युलोज को हम पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको एक बहुत पतले छेद वाले मशीन से गुजारते हैं जिसे हम कहते हैं स्पिनरेट। स्पिनरेट से जब हम उसको पास करते हैं तो एक नए तरह का धागा हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है, और यही जो नए तरह का धागा है उसे हम कहते हैं रेयॉन। देखने में यह धागा बिल्कुल सिल्क की तरह लगता है, इसलिए रेयॉन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। यानी कि ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क है, क्योंकि नेचुरल सिल्क तो सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये सिल्क वॉर्म के तो से नहीं मिलता मगर बिल्कुल चिकना होता है एज लाइक सिल्क, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। यूजेस क्या है इनके, इस्तेमाल क्या है? तो रेयॉन का इस्तेमाल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने के लिए, लाइक साड़ी, ब्लाउज, ड्रेस मटेरियल, सॉक्स, इन सबको बनाने में। अगर हम रेयॉन में कॉटन मिला दें तो हम इससे बेडशीट, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं, इससे हम कारपेट भी बना सकते हैं, इससे आर्टिफिशियल वुल भी यानी कि ऊन भी बना सकते हैं, और इंडस्ट्रीज के अंदर में बैंडेज, जो सर्जिकल आइटम है, जो मेडिकल फील्ड है, वहां बैंडेज के रूप में, या टायर में, टायर के अंदर एक धागा लगा होता है, उस धागे को बनाने में भी ये काम आता है। तो पहला काम ये रेयॉन करता है इस तरह का। रेयॉन के तरह ही दूसरा काम है नायलॉन का। ये नायलॉन क्या है? नायलॉन आप सबने देखा है, नायलॉन का रस्सी आता है, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये बनता किस चीज से है? तो नायलॉन जो है वो एमाइड से बनते हैं। जब हम एमाइड ग्रुप की चीजों को, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ देते हैं, तो उससे नायलॉन का एक बड़ा चेन हमें मिल जाता है। अब इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? तो देखो, नायलॉन ये दो पार्ट में बटा हुआ है। नाई एनवाई जो आया वो न्यूयॉर्क से आया है, आप देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क, एनवाई यानी कि न्यूयॉर्क, और लंदन का लन। सबसे पहले ये नायलॉन न्यूयॉर्क या लंदन में बनाया गया था, तो उसका नाम भी वहीं से लिया गया, न्यूयॉर्क के लिए नाई पार्ट, लंदन के लिए एलओएन पार्ट। तो इस तरह से ये नायलॉन बन गया है। इसका भी इस्तेमाल क्या है? वैसे तो ये बहुत काम के हैं, इनमें रिंकल नहीं पड़ता, यानी कि इनको आपको प्रेस करने का जरूरत नहीं इनकी चीजों को, और इन पे ना तो कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं जो इनको खा जाएं, और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, इसलिए रस्सी बनाने के काम में भी आते हैं, बिल्कुल स्टील की तरह ताकतवर होते हैं ये। यूज क्या है नायलॉन का? तो नायलॉन का इस्तेमाल हम करते हैं टेक्सटाइल बनाने में, फिर वही फैब्रिक, साड़ी, शर्ट, नेक टाई, सॉक्स, इन सब चीजों को बनाने में करते हैं। कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स, ये सब टेंट्स वगैरह में बनाने में भी नायलॉन का इस्तेमाल होता है। रोप्स बनाने में, कार के सीट बेल्ट बनाने में, फिशिंग नेट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पैराशूट बनाने में, रोप्स, रस्सी बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से नायलॉन भी कई तरह की चीजों में हमारे लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं नायलॉन से बनी हुई की चीजों को, जैसे नायलॉन के सॉक्स हैं, ये टूथब्रश में ये जो लगा होता है ब्रश का ब्रिसल, ये नायलॉन का होता है। पैरासूट नायलॉन का होता है। रस्सी जिसको पकड़ के हम माउंटेन पे चढ़ सकते हैं, वो भी नायलॉन का होता है। नायलॉन की तरह जो तीसरा हमारे पास में आर्टिफिशियल फाइबर है वो है पॉलिस्टर। आप सब लोगों ने पॉलिस्टर का नाम सुना होगा, टेरेलिन, डैक्रोन, पेट बॉटल, ये सब पॉलिस्टर के कैटेगरी में आते हैं। ये भी धागे होते हैं, और इनका भी प्रॉपर्टी वैसा ही होता है जैसा कि नायलॉन का होता है, यानी कि टफ होते हैं। इसमें भी क्रीज हम मतलब नहीं देना पड़ता, इसका क्रीज नहीं उखड़ता एक बार डाल दो तो, इसके लिए हमें कोई प्रेस करने का जरूरत नहीं है। मजबूत होगा, कलर नहीं जाएगा, ये सारा फीचर इसमें भी मिलेगा। यूजेस क्या है पॉलिस्टर फाइबर्स के, ये किस जगह काम आता है? तो ये भी वैसे ही अलग अलग कपड़े बनाने में, और वाटर के होज पाइप्स, वाटर का जो मोटा मोटा पाइप आता है जो सिंचाई में इस्तेमाल होता है, उसको बनाने में, या फायर फाइटिंग का पाइप, जिससे लोग कहीं आग लग जाए तो दमकल वाले पहुंचते हैं, फायर फाइटर्स पहुंचते हैं उनकी गाड़ियां, तो उनकी गाड़ियों में ये जो पाइप होता है वो भी पॉलिस्टर का बना होता है। और कन्वेयर बेल्ट, ये जो काला काला बेल्ट होता है, तुमने देखा होगा जो आटा चक्की वाले होते हैं उनके पास में एक बेल्ट चलता है, वो काला सा बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, वो भी नायलॉन का, सॉरी पॉलिस्टर का बना होता है। और पेट,
पेट बॉटल से आप सब लोग अवेयर हैं, ये देखिए इस तरह के जो बॉटल्स होते हैं ये कहलाते हैं पेट बॉटल्स, जिसमें हम सामान भर के रखते हैं। तो ये भी पेट भी जो है वो एक तरह का पॉलिस्टर है, इसी से ये बनाया जाता है। तो एक्राइलिक हमारा अगला कैटेगरी है जो नए तरह का फाइबर है। एक्राइलिक भी एक फाइबर है जो काफी हद तक ऊन से मिलता है, वुलन तरह। तो जो आर्टिफिशियल वुलन के कपड़े मार्केट में मिलते हैं वो सब एक्राइलिक के बने होते हैं, ये वूल लाइक फील हमें देता है। इसके साथ भी वही फायदा है, कम पानी में धुल जाता है, पानी नहीं लेता, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, इसके कलर नहीं उड़ते, रिंकल नहीं पड़ता इसमें, रिंकल रेजिस्टेंस है, रिंकल हटता नहीं है, और बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही पतले धागे होते हैं इसके, और इसमें कीड़े नहीं लगते, मॉथ्स नहीं लगते। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक्राइलिक भी बहुत ही काम के लायक होता है हम लोगों के लिए। तो ये सब तो प्रॉपर्टीज हो गए कि हम थ्रेड्स के क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स किस तरह से हमारे काम के लिए कामयाब है। अब आप अपने पिक्चर में देख रहे हैं बहुत तरह के प्लास्टिक आइटम्स, ये सारे आज के जमाने में हमारे लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। ये सब किस चीज से बने हैं? दीज आर ऑल मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स के आइटम जो इन दिनों धूम मचा रहे हैं मार्केट में, हर जगह पे मिलते हैं, तो ये सब प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए काम की चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह में। तो आइए अब हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो प्लास्टिक जो होते हैं हमारे पास में, ये भी एक सिंथेटिक मटेरियल है, और इसकी फीचर क्या है कि अगर हम इसको गर्म करें, इसको हम हीट करें, तो हीट करने के बाद ये डिजायर्ड शेप में, जो शेप हम चाहें उस शेप में हम इसको ढाल सकते हैं। तो प्लास्टिक में बहुत सारी चीजें हैं, एक तो पॉलीथीन है जो हम थैली में सामान लेकर आते हैं, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके जूते के सोल बने हुए होते हैं, बेकेलाइट जिसका इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हमारे घर में जो स्विच बोर्ड बने होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं, या मेलामाइन के प्लेट्स, जब हम शादी ब्याह में खाना खाने जाते हैं तो वहां जो प्लेट होता है प्लास्टिक का भारी वाला वो मेलामाइन का प्लेट कहलाता है, जो फायर रेजिस्टेंस है यानी कि उसमें गर्मी नहीं पकड़ती, वो जल्दी प्लेट टूटता नहीं है। इसके अलावा टेफ्लॉन, ये भी एक खास तरह का प्लास्टिक होता है जो नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर में काले रंग का कोटिंग के फॉर्म में लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बर्तन में खाना पकाने पर खाना बर्तन के साथ चिपकता नहीं है। इसके अलावा जो सिरिंजेस जो डॉक्टर्स बनाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, वो सब प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो प्लास्टिक को अगर हम कैटेगराइज करें टाइप ऑफ प्लास्टिक्स को, तो आप देखिए प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये रहा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या है, थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं? तो देखिए थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन। अगर हम बार बार उनको पिघला दें, फिर से उसको किसी नए शेप में ढाल दें, तो वो ढल जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे जो कबाड़ी वाले प्लास्टिक खरीदते हैं, अगर आप उनको प्लास्टिक देने जाए तो वो क्या करेंगे, कुछ प्लास्टिक को नहीं खरीदते, कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। जैसे पानी के टंकी वाला प्लास्टिक हो गया काले रंग वाला, या स्विच बोर्ड का प्लास्टिक हो गया, या कुछ मशीन के पार्ट का प्लास्टिक हो गया, उसको नहीं खरीदते हैं। लेकिन दूसरा जो बाल्टी टब वाला प्लास्टिक होता है उसको वो खरीद लेते हैं। तो वो कहते क्या है, ये जो बाल्टी टब वाला प्लास्टिक है ये है वो थर्मोप्लास्टिक। अगर हम इसको फैक्ट्री में भेज दें तो वो गर्म करके इनको फिर से पिघला देंगे, और पिघलाने के बाद फिर से इनसे नया चीज बन जाएगा। लेकिन जो दूसरे प्लास्टिक थे वो किसी काम के नहीं, क्योंकि वो पिघलेंगे ही नहीं। तो प्लास्टिक का दो कैटेगरी है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिनको अगर हम बार बार गर्म करें तो वो पिघल के नए नए रूप में आ सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पे एक ही बार ये अपना शेप में लाया जा सकता है, उसके बाद ये फिर से गर्म होकर कभी नहीं सॉफ्ट होगा, कभी नहीं पिघलेगा, और इससे कोई नया चीज नहीं बनेगा। तो ये तो वो आइटम है जो थर्मोप्लास्टिक से बने हैं, प्लास्टिक वाले आइटम्स, इनको हम पिघला के नया चीज बना सकते हैं इनसे। जबकि ये जो आप देख रहे हैं, ये स्विचेस देख रहे हैं, इनसे फिर से कुछ नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, ये फोन वोन बने होते हैं इसका भी नहीं बनेगा, ये सब थर्मोसेटिंग होते हैं। फर्क क्या होता है दोनों में, गौर से देखिए।
जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो चेन होता है, तो जो दो पैरेलल चेन्स हैं इनमें कोई आपस में लिंक नहीं होता, जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है। यहां अगर दो चेन है पैरेलल चेन, तो ये आपस में भी लिंक है, यानी कि ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, ये क्रॉस लिंकिंग क्या करता है, इसको स्ट्रांग कर देता है। इसमें ये क्रॉस लिंकिंग पाया ही नहीं जाता, इसलिए आसानी से टूट जाता है और इस्तेमाल करने के काम में आ जाता है। नाउ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की खासियत क्या है भाई? तो ये केमिकली अनरिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, ये पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसमें गर्मी और बिजली बहुत ज्यादा असर नहीं होता, इस पे नहीं पास करता, ना बिजली पास करता ना गर्मी पास करता, इसीलिए हम इसमें बर्तन के हैंडल बना लेते हैं और या तारों के ऊपर में हम प्लास्टिक का कवरिंग चढ़ा लेते हैं। प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप में, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। प्लास्टिक सस्ते होते हैं, आसानी से बन जाते हैं, हल्के लाइट होते हैं, स्ट्रांग और ड्यूरेबल होते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही काम के लायक होते हैं। लेकिन क्या ये प्लास्टिक हमारे लिए अच्छे हैं? तो आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छे नहीं है, कारण ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी कि ये बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा खत्म नहीं हो सकते, यानी कि ये जहां पड़े हो वहां पे ये हजारों हजारों साल तक पड़े रहते हैं। इसकी वजह से ये हमें सॉयल पॉल्यूशन करवाते हैं या वाटर पॉल्यूशन करवाते हैं, कई बार तो मछलियां पॉलीथीन बैग्स में फंस के दम तोड़ देती हैं। तो ये सब हमारे लिए बड़े एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? तो ऐसे मटेरियल्स जो बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा टूट जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, डिकम्पोज हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन कौन से टूट जाते हैं? तो कॉटन हुआ, पेपर हुआ, वुड हुआ, ये सब क्या होते हैं? कुछ ही समय में सड़ गल के खत्म हो जाते हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है, जबकि दूसरे खत्म नहीं हो पाते, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहलाते हैं। तो प्लास्टिक का तो हमने इन्वायरमेंट पे इफेक्ट दिखा दिया। ये देखिए प्लास्टिक का असर क्या होता है, ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है, जहां तहां प्लास्टिक फेंके होते हैं अलग अलग तरह के बर्तन, और ये उस जगह को फर्टिलिटी को भी खत्म कर देते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने नेचर को भी प्रिजर्व करके रखें, जिसके लिए हमें 3 R's को फॉलो करना पड़ता है। ये 3 R क्या है? 3 R's, द 3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यानी कि एक तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा, दूसरा जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को बार बार इस्तेमाल करें, रीयूज करें, और रिसाइकल यानी कि हम उसको क्या करें, फैक्ट्री में भेज भेज के उसको नई चीज बनाने में लगातार इस्तेमाल करें। यानी कि एक बार बाल्टी अगर बन गया तो अगले बार उस प्लास्टिक से हम कुछ और बना लें, ग्लास बना लें, मग बना लें, तो इस तरह से हम उसको रिसाइकल करते रहें। अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर देने जा रहे हैं और नोट्स देने जा रहे हैं। आज आपको नोट्स भी मिल जाएगा इस चैप्टर का, और आपको इस चैप्टर के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे और आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके चैप्टर के साथ साथ इसका नोट्स भी आप लोगों को भेज रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर भी भेज रहा हूँ, तो आप अपने घर में प्लीज इसको ट्राई कीजिए, इन क्वेश्चन को बनाइए, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। इन द मीन टाइम ये जो मेरा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको चाहिए हो, जो भी वीडियो हम आपके लिए डालें वो आप तक पहुंच जाए, और अपने सर के लिए एक लाइक तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त इन चैप्टर्स को समझना चाहता हो तो आप उसके पास ये वीडियो भेजिए, वो भी देख कर बुक के साथ इनको समझ पाए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो। तो होप फॉर द बेस्ट, नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक इस चैप्टर को आप कैरी आउट कीजिए। टेक केयर, बाय।